Hello everyone, welcome back to Spicy Reaction. How are you all? We hope you all are good and doing well. So what is the video we are going to react today? Tell us the title. हाँ जी, आज की वीडियो का टाइटल है दिल्ली मंडी हाउस ट्रांसफॉर्मेशन इज टर्निंग दिल्ली वर्ल्ड क्लास रोड्स बिकमिंग रियलिटी। ओके, सो गाइस, वी होप यू ऑल द बडीज विल एंजॉय दिस वीडियो विद अस। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बटन, तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो करें स्टार्ट फिर। हाँ जी, ठा करते हैं फिर। चलें वीडियो करते हैं प्ले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज हम हैं मंडी हाउस में। सामने जो आपको मेट्रो स्टेशन दिख रहा है वो मंडी हाउस का मेट्रो स्टेशन है। बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुली मेंटेन किया गया है। मंडी हाउस पे वॉलेट लाइन और ब्लू लाइन दो मेट्रोज का जंक्शन है। आज हम यहाँ का ब्यूटिफिकेशन देखेंगे जो कि अभी हाल ही में हुआ है। दिल्ली में लगातार ब्यूटिफिकेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं होते जा रहे हैं। कुछ रीजन है जिसकी वजह से ये जो ब्यूटीफिकेशन है बहुत ही ज्यादा स्पीड पे हो रहा है। अच्छा, ये वैसे बहुत अच्छा है। रेंट पे आपको जो शाम के 5 बजे का समय और आप बाइसाइकिल ओपन और क्लीन व्यू है और सामने जो बस आपको नजर आ रही है एसी बस है दिल्ली के अंदर। 25 रुपए इसका किराया होता है। सामने जो आपको स्टैचू दिख रहा है बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू है जो कि 2 से 3 साल पहले यहाँ पे लगाया गया था। बंदा सिंह बहादुर मंडी हाउस बाइक नहीं साइकिल है। यहाँ की कला संस्कृति के केंद्रों के लिए यहाँ पर आपको रंगमंच के जितने भी कलाकार हैं उनके लिए एक तरीके से हब है। देख सकते हैं आप, बहुत सारे यहाँ पर नाटक हमेशा होते रहते हैं। मेरी बीवी की शादी NSD यहाँ पर है, दूरदर्शन भवन यहाँ पर है, सीरम ऑडिटोरियम यहाँ पर है, कमानी ऑडिटोरियम यहाँ पर है। तो काफी सारी ऐसी कला के केंद्र है जहाँ पर ये सारे नाटक आते रहते हैं और यहाँ पर नाट्य के साथ संगीत अकेडमी भी है। सामने मंडी हाउस का बस स्टैंड है और उसके साथ में ही जो व्हाइट कलर की आपको बिल्डिंग दिख रही है वो NSD है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि यहाँ पर इस जगह पे ओपन हुआ था 1975 में। वैसे 1959 में ओपन हुआ था। सामने जो आपको दिख रहा है हिमाचल भवन है, यहाँ से आपको दिल्ली टू शिमला की बसेस मिल जाएंगी और मनाली की बसेस मिल जाएंगी। राइट में जो आपको रेड कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है ये श्रीराम भरतिया कला केंद्र है। इसी के साथ में कमानी ऑडिटोरियम भी है, बहुत फेमस है ये म्यूजिक डांस और परफॉर्मिंग आर्ट्स में। इसके साथ में जो और बिल्डिंग है दूसरी रेड कलर की वो है कमानी ऑडिटोरियम, 635 सीटर, वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटोरियम है थिएटर और म्यूजिक के लिए। यहाँ पर लगभग सभी जो प्रोमिनेंट एक्टर्स रहे हैं थिएटर के सब ने अपना प्ले किया हुआ है कमानी ऑडिटोरियम। इसी के साथ लिटिल थिएटर ग्रुप भी है LTG जिसे कहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोपरनिकस मार्ग। यहाँ पर अगर आप देखें ललित कला अकेडमी जो कि बिल्कुल राउंड अबाउट पे आती है और आप देखें यहाँ पे जो ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ है, ग्रीनरी को लगाया गया है, साथ में बैठने के लिए जगह बनाई गई है और जो स्टैचूज हैं उन्हें लगाया गया है। सामने जो है वो दूरदर्शन भवन है जिसको मंडी हाउस भी कहते हैं और ये यहाँ का फेमस गोल चक्कर है मंडी हाउस का। यहाँ से एक रोड कनॉट प्लेस की तरफ जाती है, डीडी नेशनल चैनल चलते हैं ना, दूरदर्शन पूरा नेटवर्क डीडी के नाम से सारे चैनल चलते हैं। ये पार्क बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ पे और इसको रीडेवलप किया गया, आप देखें तो काफी ब्यूटीफुली किया गया है। शाम के वक्त यहाँ पर आपको बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट और ग्रुप्स यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि अपनी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर। सामने जो आपको रास्ता जाता हुआ दिख रहा है वो ITO की तरफ रास्ता जाता है, प्रगति मैदान दूसरी तरफ है। हमने वहीं पर जो मेट्रो स्टेशन है वहीं से अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थी और काफ़ी ओपन एरिया है और दिल्ली एक तरीके से सेंट्रल दिल्ली है। कनॉट प्लेस यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, इंडिया गेट 1 किलोमीटर की दूरी पे है।
एंड यहाँ से अगर सामने आपको रास्ता दिख रहा है, जो ये सामने रास्ता जा रहा है तानसेन मार्ग है, इस पर आता है बंगाली मार्केट, हम वहाँ भी जाएंगे शाम के वक्त। एंड ये जो सामने रोड जा रही है ये बाराखंबा रोड है जो कि आगे कनॉट प्लेस की तरफ चली जाती है। साइन बोर्ड टोटली हिंदी में लगे हुए हैं तो मतलब जो काफी दिक्कत नहीं होती होगी फॉरनर्स को, यानी साथ इंग्लिश भी होगी लेकिन वहां पर जो था वो सिर्फ हिंदी में था। नहीं ऐसा कुछ जगहों पर सिर्फ हिंदी में है। अगर आप यहाँ पे हर जगह देख रहे हो तो आपने देखा होगा कि इस ब्यूटिफिकेशन में हर जगह पे ग्रीनरी को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और हर तरफ आपको ग्रीन एरिया जरूर दिखेगा। ये जो है ये नेपाल एम्बेसी है जो कि मंडी हाउस के सर्कल पर ही आती है। ये ब्लू लाइन का मेट्रो का ट्रैक इसके अंडरग्राउंड से जाता है। यहाँ पे मेट्रो कोई भी एलिवेटेड नहीं है, अंडरग्राउंड ही है। और ये जो री ब्यूटिफिकेशन किया गया है इसमें सिटिंग का भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर ध्यान रखा गया है। आप देखें तो बैठने के लिए प्रॉपर जगह बनाई गई है। सामने संगीत भारती जो कि क्लासिकल सिंगिंग और वोकल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एक फेमस संस्थान है। ये देखें तो आप मंडी हाउस का यहाँ पे टैगिंग भी किया गया है ब्यूटीफुली। और सामने ऊपर देखें तो आप श्रीराम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर जो कि एक थिएटर है वो भी है। एंड इस जगह को रीडेवलप करके बहुत ही ब्यूटीफुली एक तरीके से इंटीग्रेट कर दिया गया है। वॉकिंग के लिए भी बहुत ब्यूटीफुली बना दिया गया है, बैठने के लिए भी बना दिया गया है। एंड जैसा मैंने आपको पहले कहा था यहाँ से जो हिमाचल भवन की बसेस हैं वो चलती हैं, यहाँ से शिमला के लिए और मनाली के लिए बसेस चलती हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं फेमस बंगाली मार्केट की तरफ भी। फेमस बंगाली मार्केट एंड अब हम आ चुके हैं बंगाली मार्केट में। बहुत ही फेमस मार्केट है दिल्ली के अंदर। बंगाली स्वीट्स और नक्थू स्वीट्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर, हार्डली 300 मीटर्स की दूरी पर है। और बंगाली मार्केट का नाम बंगाली मार्केट किसी वेस्ट बंगाल के साथ अटैचमेंट के कारण नहीं है। जिन्होंने ये मार्केट बनाई थी 1930 में बनाई थी, बहुत ओल्ड मार्केट है। उनका नाम बंगाली मल लोहिया था, उनके नाम पे मार्केट बनाई गई थी और उसके बाद धीरे धीरे इसका नाम बंगाली मार्केट पड़ गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, अगर आप मुझसे जुड़। बिल्कुल, कैसा लगा? बहुत बढ़िया यार, मंडी हाउस काफी अच्छा बना है। व्लॉग देखकर आप घूम लेते हो पूरा इंडिया, जो जो आपने घूमना चाहते हो, जहाँ पर देखना चाहते हो। दिल्ली में ग्रीनरी बहुत है, जिसकी वजह से उसकी शो और भी ज्यादा हो जाती है। और दिल्ली की सबसे एक और बात सबसे अच्छी ये भी है कि भाईजान हमारे जो व्यूवर्स हैं वो सबसे ज्यादा हमें दिल्ली से देखते हैं। ये बात बिल्कुल, हमारे चैनल पर जो व्यूवर्स हैं जो हमें देखते हैं तो नंबर वन पर जो है वो दिल्ली से है भाई। अब आप ये ना पूछिएगा कि भाईजान दूसरे पे कहाँ पे हैं, तीसरे पे कहाँ पे है, हमारा सिटी कौन से नंबर पे है। तो जो यूट्यूब हमें उसमें एनालिटिक्स में बताता है उसके अकॉर्डिंगली जो दिल्ली है वो नंबर फर्स्ट पर है। और दिल वालों का शहर है, दिल वालों का शहर है।
अगर आप चाहते हैं कि बाकी सिटी कौन किधर है वो देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, हम किसी अगली वीडियो में फिर आपको अपने स्टैटिक्स पूरे वो दिखा देंगे कि कौन सा सिटी हमें कौन कहां से ज्यादा देखते हैं। चले बाकी बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत प्यार मिलता है सभी व्यूवर्स, आप जहां से भी देख रहे हो इंडिया के कोने कोने से या पूरी दुनिया के कोने कोने से आप देख रहे हो, बहुत शुक्रिया आपका और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, और चैनल को लाइक करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया, और इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो हमारे साथ देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी नेक्स्ट वीडियो है हमारे पास बिल्कुल, वो भी हमें इंडिया से हमारे एक भाई ने भेजा है कि आप वो देखिए, लाजमी देखिए, तो चलें उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो वीडियो देख लेते हैं साथ ही। और अभी दें इजाज़त, अगर आपने चैनल को नहीं कर रखा सब्सक्राइब तो कृपा कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, और दें अभी इजाज़त।